भाई हम उस इवेंट में सामने नहीं जा सक रहे हैं, डर की स्किन मिलने के बाद हम सामने नहीं जा पा रहे भाई, मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है वो कैरेक्टर का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के सब वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर जो बैटल ऑफ न्यू डाउन वाला इवेंट चल रहा है, जहाँ से हम लोग को चारों कैरेक्टर को गोला के अंदर पहुँचाना है, लेकिन किस वो कैरेक्टर एक जगह जाने के बाद आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो किस क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बात करने वाले कि आखिर आप लोग क्या कर सकते हो जिसके बदले में आपको कैरेक्टर आगे बढ़े और गाइस आप लोग को सारा रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए मिल जाए। तो गाइस कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली हम लोग देख सकते हो यहाँ पे गेम के अंदर आ चुके हैं। सो गाइस गेम के अंदर आने के बाद सिंपली देख सकते हो यहाँ पे 12 दिन बचे हैं, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करते हैं और इवेंट पे चले जाते हैं जो बैटल ऑफ द न्यू डाउन वाला इवेंट है। बस हम लोग जाते हैं तो सिंपली आप लोग देख सकते हो हम लोग उस इवेंट के अंदर आ चुके हैं। आने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ से सारा रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए चारों कैरेक्टर को आपको गोला के अंदर तक पहुँचाना है, लेकिन गाइस क्या हुआ है ये ऊपर वाला जो कैरेक्टर आप लोग देख सकते हो ये और आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे पास टोकन भी है फिर भी गाइस मैं इस कैरेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो गाइस ये वाला कैरेक्टर आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गाइस मुझे भी ये पता है कि अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो गाइस आप लोग के मन में भी यही सेम सवाल होगा। देख सकते हो इस यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, देख सकते हो इस यहाँ पे ये कैरेक्टर दो स्टेप आगे आ चुका है, लेकिन गाइस ये वाला कैरेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा। गाइस जब ये वाला कैरेक्टर एक और स्टेप जाएगा तो गाइस ये वाला कैरेक्टर भी और आगे नहीं जाएगा। तो गाइस आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और गाइस उसको समझने के लिए हमको सिंपली इस गेम के इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को सारे रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए चारों ही चार कैरेक्टर को यहाँ पे गोला तक पहुँचाना है। और गाइस गोला तक पहुँचाने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 फुट स्टेप्स आप लोग को जाना है, जाने के बाद आप लोग को एक माइलस्टोन मिलेगा। जैसे ही माइलस्टोन पे जाओगे तो गाइस आप लोग को एक रिवॉर्ड मिलेगा और हर माइलस्टोन पे आप लोग को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ये एक माइलस्टोन के बाद और नहीं जा रहा है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिर क्यों नहीं जा रहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हर कैरेक्टर के सामने वाला जो माइलस्टोन है उस पर गाइस आप लोग देख सकते हो कोई भी लॉक नहीं है, लेकिन गाइस बाकी के बाद के जो चार चार यहाँ पे सिंपल आप लोग देख सकते हो उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है हर एक माइलस्टोन के अंदर। तो गाइस आपको कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सिंपली उस लॉक को अनलॉक करना है। अब गाइस सवाल ये आ जाता है कि आखिर आपको इसको अनलॉक कैसे करोगे, तो गाइस सिंपली चलिए मैं आपको बता दूं। तो गाइस अनलॉक कैसे करना है इसको जानने के लिए आपको सिंपली लॉक के ऊपर टैप करना है। जैसे आप लोग लॉक के ऊपर टैप करेंगे तो गाइस आपके सामने देख सकते हो इस तरीके का लिखा आ जाएगा, स्टोरी इज लॉक्ड दिस माइलस्टोन अनलॉक ऑन 6/22, यानी गाइस ये 6 महीने के 22 तारीख को ओपन होने वाला है। गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इस महीने के ही 22 तारीख को आपको इसको अनलॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप लोग ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा तो गाइस सिंपली कैरेक्टर को आप लोग और 3 स्टेप तक पहुँचा सकते हो, यहाँ पे 4th माइलस्टोन पे दूसरे माइलस्टोन पे आप लोग उसको पहुँचा सकते हो। पहुँचने के बाद गाइस वापस से ये लॉक हो जाएगा, सिंपली आपको तब तक ये चारों कैरेक्टर को दूसरे माइलस्टोन तक पहुँचा देना। देने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीसरा लॉक कब अनलॉक होगा, तो बस आप लोग देख सकते हो तीसरे लॉक की अगर बात करें तो वो ओपन होने वाला है 26 तारीख को, यानी कि जैसे 26 तारीख आ जाएगा तो गाइस वो तीसरा वाला लॉक भी ओपन हो जाएगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये की वाला टोकन को कलेक्ट करके रख देना है। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा की टोकन हो गए तो गाइस जिस दिन ये अनलॉक होगा सिंपली आप लोग उसी दिन कैरेक्टर को उस माइलस्टोन तक पहुंचा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, सभी का यहाँ पे रुक चुका है क्योंकि ये लॉक्ड है। और गाइस 22 को खुलेगा 26 को खुलेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो सिंपली आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कलेक्ट करने, जैसे ओपन होगा तुरंत आप लोग को सिंपली इसके ऊपर फॉरवर्ड कर देना है। सो आई होप आप समझ चुके हो कि कैसे आपको इस माइलस्टोन को कंप्लीट करना है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हो आपको पसंद आया होगा, पसंद हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।